Sociology of Development, Topic 131, Lipton's Theory of Urban Bias. Professor Michael Lipton, 13 February 1937, mein jo paida hue, is a British economist specialized in rural poverty in developing countries, including issues related to land reforms and urban bias. प्रोफेसर माइकल की जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, एकेडमिक पार्टिसिपेशन है ग्लोबल डेवलपमेंट के एजेंडा में, जिसपे उन्होंने डिस्कशन की, वो पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज है, इंक्लूडिंग इश्यूज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म एंड अर्बन बायस. के लैंड रिफॉर्म और अर्बन बायस की वजह से जो इकोनॉमिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम है, इस पर प्रोफेसर लिप्टन ने बात की है. फॉर्मुलेटेड थ्योरी ऑफ अर्बन बायस टू अकाउंट फॉर द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी दैट ट्रैक मैनी डेवलपिंग कंट्रीज टूडे. के जो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उसको जो माइकल लिप्टन की जो थ्योरी है ये एड्रेस करती है. द थ्योरी प्रपोजेज दैट डेवलपमेंट प्लानिंग इज लेस इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज बायस्ड अगेंस्ट रूरल एरियाज. इन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू अर्बन एरियाज देन द रूरल वंस मेकिंग द पुअर टू द गेट पुअर. प्रोफेसर माइकल की थ्योरी कहती है कि अर्बन सेंटर्स जो हैं वहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी वहां ज्यादा जाती है, वो लोग ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनके पास, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज उन्हें ज्यादा मिलते हैं, एक्सेस टू रिसोर्सेज उनके पास ज्यादा होती है. अगर कोई इंटरनेशनल बिजनेस जाता है तो वो भी क्योंकि उन जगहों पर जाता है और उसका जो डायरेक्ट फायदा होता है वो अर्बन सेंटर्स में रहने वाले लोगों को होता है. तो अर्बन सेंटर पे जो फोकस है, प्रोफेसर माइकल की थ्योरी कहती है, उसने जो रूरल एरियाज हैं वहां इनइक्वालिटीज इंक्रीज की हैं, वहां इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज डिक्रीज की हैं, और रूरल सेंटर्स के लिए बजाय प्रॉब्लम्स और मसले हल करने के उनके लिए प्रॉब्लम्स को इंक्रीज किया है. पॉवर्टी इन द रूरल एरियाज हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू द अर्बन बायस एज एट्रीब्यूट बाय माइकल लिप्टन कंसीडरिंग द फैक्ट दैट अर्बन बायस हैड रिजल्ट इन द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोफेसर माइकल की थ्योरी कहती है कि दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. डेवलपमेंट के एजेंडा में जो बुनियादी चीज है दैट इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. जो अर्बन बायस है इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होती है. तो लाहौर में एक रहने वाला फर्द है, वो जो फैसिलिटीज इंजॉय करता है वो पंजाब के किसी दूसरे छोटे शहर के लोगों से बहुत ज्यादा है. इसी तरह ही अगर रूरल एरिया से कंपेयर किया जाए तो रूरल एरिया के लोगों के मुकाबले में किसी छोटे मोटे शहर में रहने वाला बंदा, किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहने वाले लोग जो हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं, उनको एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज भी ज्यादा है, जो सर्विसेज डिलीवरी है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एट हाउस होल्ड लेवल, एट इंडिविजुअल लेवल, एट फैमिली लेवल, वो भी ज्यादा है. और जो उनकी ट्रेनिंग की, उनकी पर्सनल अपलिफ्ट की, सोशल अपलिफ्ट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी अर्बन सेंटर्स में ज्यादा हैं, और पुअर सेंटर्स में उसके कंपैरिजन रिसोर्सेज एलोकेट ही नहीं किए जाते. अगर एलोकेट किए जाते हैं तो बहुत बड़ा गैप है रिसोर्सेज एलोकेशन में. और प्रोफेसर माइकल कहता है कि इस वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो बैलेंस नहीं है, और जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बैलेंस नहीं होती, it is itself a hindrance in the process of development.